नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक। दोस्तों फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक का मीनिंग होता है दोस्तों, अभी दोस्तों स्टॉक बहुत ही बढ़िया लग रहा है, फंडामेंटली अच्छा है और टेक्निकली भी अच्छा है चार्ट के ऊपर, और आने वाले टाइम में हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। दोस्तों क्यों देवयानी इंटरनेशनल में हमें पैसा लगाना चाहिए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर। दोस्तों पहले तो दोस्तों आपको ब्रांड दिख रहा है KFC। अगर आप चिकन आपको पसंद है और आप खाते हैं तो KFC जैसा बढ़िया ब्रांड नहीं है दोस्तों मार्केट में। बच्चों के लिए दोस्तों पिज़्ज़ा हट है, कोस्टा कॉफ़ी, वानगो एंड द फूड स्ट्रीट, ये सारे ब्रांड आपने मार्केट में देखे हुए हैं, टॉप लेवल के ब्रांड है और क्वालिटी ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो ये रिटेल चेन है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, और पूरे दोस्तों हिंदुस्तान में बहुत जगह पे ये सप्लाई करते हैं और आउटर भी है दोस्तों। तो ये स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करें वो है। तो पहली चीज़ दोस्तों कि एक तो फंडामेंटल चीज़ समझने की, बिजनेस को समझने की ज़रूरत होती है कि पहले अगर 10 साल पहले की बात करें तो आउटसाइड जाके आउटलेट में खाने वाले लोग बहुत ही कम थे आज की तादाद में दोस्तों। तो नेक्स्ट 10 ईयर में तो इसकी तो दोस्तों ग्रोथ होने वाला है, यानी कि सेक्टर का तो ग्रोथ पक्का है दोस्तों। अब बात करते हैं देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर। अभी का जो प्राइस है 166 का चल रहा है और 6.41 का प्राइस है दोस्तों। कभी भी दोस्तों ये प्राइस जो है अप एंड डाउन होता रहेगा, बट बेस्ट बाइंग रेंज क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे दोस्तों। पिछले 5 दिनों में 1% के आसपास की गिरावट है, और एक मंथ के अंदर दोस्तों देखें तो 10% की तेजी है। 6 मंथ के अंदर पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है 0.95% का, यानी कि 6 महीने में कोई भी अच्छा रिटर्न नहीं दिया है स्टॉक ने दोस्तों। एक साल के अंदर बात करें तो दोस्तों 34.41% का रिटर्न है, और 5 साल के अंदर दोस्तों देखें तो 40% का रिटर्न है दोस्तों। बट ये स्टॉक का जो IPO आया था वो अगस्त में आया था, और वहाँ से दोस्तों बहुत ही नीचे गया था। जब 112 के आसपास का प्राइस था तब मैंने बोला था कि इसको रब दबा के रख लो दोस्तों, फिर वहाँ से 165 गया, 188 गया, और उसके बाद नीचे कंसोलिडेशन हुआ, और फिर अब दोस्तों यहाँ पे आया हुआ है दोस्तों। तो जिन लोगों ने 112 में लिया था अपने, बहुत सारे व्यूअर्स ने लिए थे, तो आप ज़रूर से वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए और अपना कॉमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइए दोस्तों। तो बात हुई दोस्तों कि तब हमने क्यों आपको बाय करने को बोला था, क्योंकि दोस्तों IPO का प्राइस था उसी के आसपास चल रहा था, और 100 रुपीज़ का साइकोलॉजिकल लेवल था, तो हमारा रिस्क काफ़ी कम था और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो जब मार्केट में भी डाउन साइड आई, बट इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं आई क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। चलो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो उसके फंडामेंटल को भी ज़रा चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो देवयानी इंटरनेशनल का मार्केट कैप है 19,896 करोड़ का है, और बुक वैल्यू है 5.70 की। स्टॉक का PE है 115 दोस्तों। अब आप बोलोगे सर इसका वैल्यूएशन तो बहुत ही हाई है। दोस्तों मैं मानता हूं कि इसका वैल्यूएशन हाई है, बट इंडस्ट्री का PE तो देखिए 132 है, तो उसके सामने तो कम ही है दोस्तों। ROCE देखिए तो 16% है, और ROE देखिए बेलाजवाब है दोस्तों 42.8%। फेस वैल्यू 1 का है, डेप टू इक्विटी रेशियो 1.83 है। डेप्ट है 1,254 करोड़ का है, 1.83 है, वो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट दोस्तों जो रेस्टोरेंट बनानी होती है उसमें कैपिटल पैसा लगता है, तो डेप्ट ऑलवेज रहेगा। और EPS है 1.30 का दोस्तों। अब बात करते हैं पीयर कंपैरिजन में, तो दोस्तों देवयानी इंटरनेशनल जो है वो अभी प्रॉफिट में है, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट अभी भी लॉस में थोड़ी सी चल रही है, तो उसकी वजह से उसका PE वैल्यूएशन हमारे पास नहीं है। और सैफायर फूड है वो 153 का दोस्तों PE वैल्यूएशन है। तो इन सब में दोस्तों देवयानी इंटरनेशनल काफ़ी अच्छे PE वैल्यूएशन के ऊपर कारोबार कर रही है दोस्तों। अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखेंगे सितंबर 2020 का दोस्तों लेवल था 230 का, और उसके बाद देखिए कंटिन्यूअस ग्रोथ हुआ है सेल्स के अंदर दोस्तों। क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखेंगे कि मार्च टू मार्च, ईयर टू ईयर में आपको अच्छा सा ग्रोथ दिख रहा है, बट दोस्तों यहाँ पे कोरोना का इम्पैक्ट था, यहाँ पे कोरोना का इम्पैक्ट नहीं था। जून के रिजल्ट में कोरोना का इम्पैक्ट था, और मार्च 2022 में नहीं था दोस्तों, थोड़ा सा कम था। तो ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा दबा हुआ है, बट यहाँ पे आने वाले टाइम में हमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिख सकता है। अगर बात करें दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर, तो आपको क्लियरली अंदाजा आ जाएगा दोस्तों कि कंटिन्यूस जैसे जैसे दोस्तों आउटलेट बढ़ रहे हैं। 2018 में 111 का सेल था, उसके बाद बढ़ के 1311 का हुआ, 1516 का हुआ, 1135 का हुआ, और मार्च 2022 में दोस्तों सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए 2084, यानी कि दोस्तों 2016 से दोस्तों 2022 तक में, यानी कि 6 साल के अंदर उनका सेल डबल हो गया दोस्तों।
एक्सपेंस कंट्रोलेबल है सामने से, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 476 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो दोस्तों हर साल बढ़ रहा है और ये मार्जिन वाला ही बिजनेस है दोस्तों। और नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो 156 करोड़ का है, 1.30 का EPS आया है दोस्तों, इसीलिए आपको वैल्यूएशन महंगे पड़ रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नज़र डालते हैं तो दोस्तों मार्च में और जून में प्रमोटर का होल्डिंग 62.80 ही था, FII का होल्डिंग की अगर बात करें तो 690 का होल्डिंग था और वो घटा के उन्होंने 687 किया है। FII कंटिन्यूस अपना माल कम कर रहे हैं। सामने DII अपोजिट है दोस्तों, DII के पास 4.82% था, फिर 4.92 किया दिसंबर 2021 में, मार्च 2022 में किया 5.75 और जून 2022 में किया 6.26, यानी कि म्यूचुअल फंड भी कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं दोस्तों। पब्लिक के पास होल्डिंग की बात करें तो दोस्तों 24.07% का होल्डिंग है, उसमें भी देखिए दोस्तों मेरिटियस पीटी का 8.13 है, यम रेस्टोरेंट के 8.41 है, 1.83 खंडे वाला फिन स्टॉक के है, सबरे इन्वेस्टर के हैं, तो यानी कि दोस्तों 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17% तो अभी भी होल्डिंग जो है वो बड़े हाथों में है दोस्तों। तो पब्लिक के पास बचता है 8% का होल्डिंग, जो ना के बराबर होल्डिंग है, तो यहाँ पे दोस्तों लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी दिख रहा है दोस्तों। अब इम्पोर्टेंट डेट दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट डेट दोस्तों है 3 अगस्त 2022, जब इसका रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा, तब दोस्तों ये स्टॉक आपको ज़बरदस्त मल्टी दोस्तों अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि दोस्तों आप अभी से पोजीशन बनाओगे और रिजल्ट अच्छा आएगा तो भागेगा, क्योंकि दोस्तों कोरोना का अब नाम कहीं पे दिख नहीं रहा है और फुल फ्लेज में पूरा मार्केट चल रहा है दोस्तों। तो अभी दोस्तों ज़बरदस्त मोमेंटम हमें आने वाले टाइम में दिख सकता है, एक तो रिजल्ट की बात हुई। अब हम चलते हैं दोस्तों चार्ट के ऊपर, और चार्ट हमें क्या बता रहा है, तो चार्ट में दोस्तों जो हमने डिस्कस किया कि 107 का लो बना था, तब हमने डिस्कस किया था और वहां से स्टॉक ऊपर गया, बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया हमें, और उसके बाद जो तो हमने स्विंग लो और स्विंग हाई को कनेक्ट करके जो लेवल निकला है वो दोस्तों 61.8% का 142 है, तो जहाँ पे कंटिन्यूस हमें सपोर्ट देता हुआ दिया स्टॉक, और अभी का जो लेवल है 38.2% का 164 का दोस्तों, ये दोस्तों तोड़ के हर बार दोस्तों नीचे ऊपर अप एंड डाउन चल रहा है दोस्तों। और ये जो लेवल है दोस्तों, यहाँ पे हम डेली चार्ट के ऊपर चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक नीचे से आता है दोस्तों 23.6% के रिट्रेसमेंट में, फिर वापस चला जाता है दोस्तों वहाँ से, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, और फिर दोस्तों उसी लेवल के आसपास आता है, और एक आप अगर एक लाइन को भी अगर ड्रॉ किया जाए दोस्तों ट्रेंड लाइन को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोस्तों ये जो लेवल है दोस्तों, ये जो हाई बना था और इसको यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है दोस्तों, ये एक लाइन हुई। अब दूसरी लाइन को भी मैं कनेक्ट करता हूँ आपके लिए, तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेंड जो है बिल्कुल फॉलो कर रहा है और ट्रेंड लाइन को अब तोड़ने का आतुर हो रहा है दोस्तों ये स्टॉक। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि दोस्तों ये जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यूस दोस्तों तोड़ने के मूवमेंट में है दोस्तों ये स्टॉक। तो अगर ये कंटिन्यूस ये लेवल को तोड़ देता है तो फिर और तेज़ी बनेगी, और दोस्तों आने वाले टाइम में रिजल्ट भी आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक में दिखने को मिल सकता है दोस्तों। और ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके आप इसमें ट्रेड इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।